पहले ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट अ ह्यूज ऑनर, लेडीज एंड जेंटलमैन, आवर सुप्रीमली गॉर्जियस स्टनिंग एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस तापसी पन्नू। सुंदर एक्ट्रेस तापसी पन्नू, वी अपनी इंट्रोडक्शन में बोल रहे सुंदर, वी डू कांग्रेचुलेट हर ऑफ कोर्स, and at the same time she's won hearts all across the world with her inner beauty, and we are truly overwhelmed and elated, and on behalf of Flipkart Glamour, do get ready for it, we welcome the naturally glamorous Tapsee Pannu. Yay! Thank you so much, love. It is absolutely a beautiful experience. सबसे पहले तो बताइए, how does it feel being a part of the Flipkart Glamour family now, knowing that you always been natural and you look glamorous? Yeah, I think because glam का मतलब it's not like you have to add on a lot of things, you know, just take care of yourself well enough to look glam. And I at least feel your the way you carry yourself is also a big part of being glamorous, and hence I always thought I am, but if you say so, if you insist, I'll agree. Yes, and we love you. Friends from the media, please, yes. Your questions. Yes. हाँ जी, सेंटर कैमरा। तो सुंदर जी, सबसे पहले तो बताइए कि फ्लिपकार्ट ग्लैम अप फेस्ट के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? आप स्टेज पे देखा होगा। मैं देखा, मैंने ये रियलाइज किया है कि इन्होंने ना भारत की जनता को और लेजी बनाने का ठान लिया है कि अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब तुम जाके दुकान में शॉपिंग भी नहीं करोगे, तुम सिर्फ अपने ऐप पे क्लिक करोगे और वो कुछ ही मिनटों में तुम्हारे घर पहुंच जाएगी वो आइटम। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा, ये हमारा ईज ऑफ कंफर्ट है कि ये हमारे को और लेजी करने वाला है? तो ये तो बहुत बड़ा और एक्साइटिंग एडिशन है फ्लिपकार्ट ने जो किया है। अब देखने में मजा आएगा कि ये जनता कितना यूज करती है इसको। शॉपिंग करने में बहुत बिलीव बहुत हाल फिलहाल में, मतलब फेवरेट सब कुछ, परफ्यूम से लेके हेयर केयर से लेके स्किन केयर से लेके, आई थिंक आप एक लड़की से पूछ रहे हो, वो भी इस इंडस्ट्री में जो है, तो मतलब मैंने तो कोई कैटेगरी छोड़ी नहीं होगी शॉपिंग करने की। हाँ, वही एक वाइस है मेरा कि मैं बहुत शॉपिंग कर सकती हूँ, अपना मूड खराब हो तो भी अच्छा करने के लिए शॉपिंग कर सकती हूँ, ऐसा भी होता है मेरे साथ कभी कभी। आपको क्या पसंद है, इत्र या परफ्यूम? आपको क्या पसंद है, इत्र या परफ्यूम? सही ऑनेस्टली तो परफ्यूम। और जैसी तीन चीज जो आप शॉपिंग जब करने जाते सबसे पहले आपके माइंड में आता है? ग्लैमर से रिलेटेड बोलूं तो मुझे अलग अलग तरह के हेयर केयर प्रोडक्ट्स कलेक्ट करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कर्ली हेयर एक ऐसी कैटेगरी है जो आसानी से नहीं मिलते हैं प्रोडक्ट्स, और जो प्रोडक्ट्स मिलते भी हैं वो मुझे ट्राई करने में मतलब समझ में आएगा कि वर्क कर रहा है मेरे बाल पे कि नहीं कर रहा है, तो वो एक बहुत लिमिटेड रेंज होती है, तो सबसे एक्साइटमेंट मेरी होती है देखने के लिए कर्ली हेयर रेंज में किसने क्या निकाला है, सो आई शॉप दैट अलॉट सबसे पहले। तो रेनी सीजन में रिगार्डिंग फैशन, जो मेकअप करोगे वो धुलने के चांसेस बहुत है, तो फिर एक काम करो, मतलब स्किन केयर पे ध्यान दो ज्यादा मेकअप से रेनी सीजन के अंदर, मे बी नेक्स्ट सीजन में विंटर में उसके बाद मेकअप कर लेंगे, ठीक है? अभी हसीन आ रही है, फिर आई हसीन दिलरुबा एंड खेल खेल में, ये इस साल ये दोनों पिक्चर आएंगी, बहुत ही मतलब डिफरेंट दोनों चीजें, एक रोमांटिक थ्रिलर है, दूसरी आउट एंड आउट कॉमेडी है, खेल खेल में आउट एंड आउट कॉमेडी है, सो बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म है दोनों, और वो बहुत मुझे लगता है कि पास रिलीज होने वाली हैं जिस हिसाब से रिलीज डेट्स आ रही हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के ऑडियंस दोनों को कैसा रिएक्शन देता है, एक तो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है, दूसरी थिएटर में आएगी। इवन तापसे आप 10 साल से ज्यादा इंडस्ट्री को दे चुकी हैं, 24 सडनली मुझे एंटीक फील हो रहा है, 10 साल इंडस्ट्री को मैंने दे दिया, हाँ 10 साल से ज्यादा ज्यादा दे दिए, ओके। तो इस चीज को आप किस प्रकार देखते हैं, मतलब जब आप स्टार्टिंग की थी और अब जहाँ पर आपको, या जिसने ऐसा कोई बेंचमार्क बना के मैं आई नहीं थी, तो मेरे लिए सब कुछ बोनस है, मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ऐसे मतलब मीडिया से खड़े होके मेरे
को सुन रही होगी, वही बहुत बड़ा बोनस है मेरे लिए. अगर मैं सोचती हूँ कि 10 साल 11 साल पहले मैंने क्या सोच के इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, ये सब कुछ बोनस है मेरे लिए. इवन आल्सो एवरीवन इज वेटिंग फॉर योर वन लुक ब्राइड लुक. वन लुक ब्राइड लुक. चलो वेट करते थोड़ी देर और. मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं करूंगी ऐसा कुछ ब्राइड लुक का रिवील या ऐसा कुछ, मैंने कुछ सोचा नहीं है. बहुत ही सीक्रेट नहीं, प्राइवेट पर्सनल एक इवेंट था, तो मैंने ऐसा कोई उसका प्रेस रिलीज करने का अभी तक सोचा नहीं है. जब दिमाग में कोई आइडिया आएगा तो सबसे पहले आप लोगों को पता चलेगा. थैंक यू. रिक्वेस्ट देम फॉर वन ऑन वन लुक पहले फोटो एंड देन फ्लिपकार्ट फैमिली.